The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। हम चाहते हैं कि आपके घर परिवार जो हैं वो बने रहें। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी कड़वाहट जो है वो आपके परिवार में ना आए। हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों के विवाह जो हैं वो अच्छे घरों में हों। हम चाहते हैं कि आपके घरों में सुख शांति और बरकत बनी रहे। इन सारी चाहतों के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं, और आगाज़ भी ऐसे कर रहे हैं कि एक ऐसी दिक्कत है जिससे कि आजकल जो माँ बाप है वो परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, खास करके लड़कियाँ परेशान हैं। हालांकि लड़के भी परेशान हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि लड़के इस मामले में परेशान नहीं हैं। घरों की बात है, घर टूटने की बात है, इस पे तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है। उससे पहले नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपके घर की जो परेशानियां हैं वो इन नंबर्स के थ्रू हल होंगी। इन नंबर्स के थ्रू जब ये परेशानियां हल होंगी तो बात ये होगी कि आपकी बात होगी कुछ ऐसी लड़कियों से या स्टाफ से जो कि प्रोफेसर साहब से डायरेक्ट तो आपकी बात नहीं करवा सकते, वो करवा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोफेसर साहब अक्सर बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं कुंडलियाँ देखने में, लोगों से मिलने में। तो वो आपको एक दिन दे देंगे कि इस दिन प्रोफेसर साहब आपके लिए फ्री हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बात फ़ोन पे नहीं कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपके अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये जो नंबर्स हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए ही नंबर्स हैं। प्रोफेसर साहब आप सबकी बहुत फिक्र करते हैं, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार के सदका आपका जो ध्यान है वो हमेशा उनके ध्यान में रहता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। तो आज का जो ये एपिसोड है वो है तलाक के ऊपर, डिवोर्सेस के ऊपर। बहुत सारे घरों में ये दिक्कत आ जाती है कि मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनी, बीवी और सास की आपस में नहीं बनी, या बेटा जो है वो अच्छा नहीं है, कुछ भी जो है चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। इससे जो विवाह में लड़का भी दुखी होता है और लड़की भी दुखी होती है। डिवोर्सेस यानी कि घर का टूटना, ये किसी के लिए भी सुखद नहीं हो सकता, सबके लिए ही ये प्रॉब्लमेटिक होता है। और जिनके बच्चे हो चुके हैं, सिंगल पेरेंट को बच्चे पालने पड़ते हैं, और फिर अगर कोई सिंगल पेरेंट हो और वो बच्चे पाल रहा हो तो उसके लिए उससे ज़्यादा मुश्किल और कोई नहीं होता, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो बाप है, बाप नहीं है तो माँ है, ऐसे में बच्चे की जो परवरिश है कहीं ना कहीं वो भी अधूरी रह जाती है। तो आज की इस तारीख में कोशिश हम ये करेंगे कि हम घरों को टूटने से बचाएं। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब। घर टूट रहे हैं, डिवोर्सेस तलाक की जो रेशो है अगर हम कुछ सर्विस पे जाएं वो भी बढ़ रही है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा थी, लेकिन आज की तारीख में ये भारत में भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और पहले होता था कि चलो शादी के कुछ महीनों बाद या एक साल के बाद तलाक हो गया, एक दूसरे की नहीं नेचर पसंद आई, छोड़ दिया। लेकिन आजकल शादी के 20-20 साल के बाद भी जो है वो तलाक हो जाते हैं। 20 साल काटने के बाद बच्चे भी बड़े हो गए फिर तलाक ले लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा पूछा पंडित जी आपने। आपने पूछा कि 10 साल बाद 20 साल बाद भी तलाक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? पहले मैं आप सबको ये समझा दूं, मान लीजिए कि आपका शनिदेव जब आपकी शादी, जन्म का शनिदेव, चलो पहले जन्म की बात करते हैं, जन्म का शनिदेव आपका दसम भाव में बैठा है, तो सातवें भाव में मान लीजिए मंगल आ जाए, राहु आ जाए, सूर्य आ जाए, कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह आ जाए, तो तलाक क्यों होता है? सुनिए बहुत ध्यान से, ये मैं थोड़ी सी ज्योतिष की बात करूँगा, फिर बाकी नेचुरल बातें करूँगा, वो अपनों की बातें करूँगा, वो बात की बात है, क्योंकि ज्योतिष की बात तो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बनता है ज्योतिष का शो है, तो ज्योतिष की बातें, ग्रहों की बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहों के बारे में समझाना ज़रूरी है। कुछ लोग जो ज़्यादातर ज्योतिषी मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनको समझाना ज़रूरी है। मान लीजिए जन्म का शनिदेव आपका दसवें घर में पड़ा है, तो सप्तम घर में पहुंचने के लिए कितने साल लगते हैं पता है आपको? सप्तम घर में पहुंचने के लिए 15 साल लगते हैं
आपको अपने से सप्तम भाव में पहुंचने के लिए, तो 20 साल लगते हैं दसवें घर से लेकर सतवें घर तक पहुंचने के लिए, यानी कि अपने से सप्तम घर में पहुंचने के शनिदेव पूरा 30 साल का चक्कर पूरा करते हैं, 30 साल में पूरी 360 डिग्री पूरी करते हैं। और जब वो दसवें घर में है तो सतवें घर तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे शनिदेव को। जब वो शनिदेव दसवें घर का ग्रह जब सप्तम घर में आ जाता है, चलो एक योग के बारे में बताता हूँ, उस स्थिति में तलाक योग होते हैं। उस स्थिति मान लीजिए दसवें घर का ग्रह अगर सूर्य देव बैठा है तो कितने महीनों में आएगा, मान लीजिए कितने महीनों में आएगा, कितने घर है वो? अरे भाई सिंपल सा है, 7 और 4 11, यानी कि मान लीजिए आपके 10 महीने में आ जाएगा। तो 10 महीने बाद पत्नी के साथ उस महीने झगड़ा रहेगा। दसवें घर का ग्रह जब कभी सप्तम में आता है तो प्रॉब्लम देता है। अगर उस स्थिति को समझना पड़े, उस स्थिति को जानना पड़े, उस स्थिति को पहले से समझ लिया जाए कि ये ग्रह आने वाला है, इससे हमारा योग कट सकता है। क्यों होता है? कई योग कई बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर कहीं आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ जाए, अगर कहीं आपकी लाइफ वाइफ की ज़िंदगी में कोई दूसरा लड़का आ जाए, अगर कहीं हो सकता है कि दोनों के बच्चे बीच में बच्चे आ जाएं, हो सकता है कि दोनों में तकरार क्यों पड़ती है, पैसों की वजह से कम काम बंद हो जाए, तो क्यों तलाक होते हैं? तो यही तो कारण होते हैं। और तलाक क्यों होते हैं? कारोबार बंद हो जाए, हो सकता है कि आपका घर नहीं बन पा रहा, सारी ज़िंदगी वो बेचारी किराए पे रही, मैं छोड़ दूँ इसका, तो घर नहीं बना पाया अपना, तलाक क्यों होते? बहुत से कारण होते हैं। इसलिए जब कभी दसम घर का ग्रह सप्तम घर में आ जाता है तो तलाक की रेशो बढ़ जाती है। ये तो मैंने ग्रहों की बात की, चलो थोड़ी सी बातें और बता दूँ। राहु जब कभी सप्तम में आ जाता है, कौन सी राशि में राहु सप्तम में आता है तो तलाक होता है, कौन सी राशि में सप्तम में आता है तो तलाक नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग बोलते हैं राहु सप्तम में हो तेरा तलाक हो जाएगा। अरे भी 500 कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, सप्तम में जब राहु आता तलाक नहीं होता, 500 कुंडलियाँ मैंने देखी हैं। देखना पड़ेगा कि राहु सप्तम में आता है कौन सी राशि में। अरे भाई राहु अगर शुक्र की राशि में आएगा तो तलाक नहीं होगा, राहु अगर गुरु की राशि में आता है तो तलाक करवा देता है, राहु अगर मंगल की राशि में आता है तो तलाक करवा देता है। देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में राहु आता है, वो अलग बात है। फिर कौन से नक्षत्र में आता है उससे तलाक की रेशो और बढ़ती है या कम होती है, वो बात की बात है। तलाक क्यों होते हैं, मैं पहले जनरल बात थोड़ी सी समझा दूँ, समझाना मेरा जरूरी है क्योंकि मैं समझाऊंगा नहीं वहाँ पे तो कैसा हो जाएगा। अगर कोई भी लड़की अपने घर में 25 साल तक काट रही है, 25 साल तक वो अपने घर में आज़ादी से रही, 26वें साल में उसकी शादी हो गई, एक साल वो रही, क्योंकि आजकल तो पहली बात तो ये है कि गुस्सा बहुत है बच्चों में, बात नहीं सुनते किसी की, उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला, भाग के घर में आ जाती हैं तो घर, इसी वजह से ज़्यादातर रेशो बढ़ती है तलाक की जब कभी गुस्से के कारण लड़का लड़की छोड़ देते हैं। उसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल, चंद्र के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब चंद्र के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा तो तलाक की रेशो कम हो जाएगी। उसके लिए मैं उपाय बात की बात सबसे लास्ट में उपाय बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं तलाक से कैसे, क्यों तलाक होते क्यों हैं। मैं सब बच्चों को, सबको ये समझाता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 365 दिन जब आपकी शादी हो, लड़की के लिए ये बात बहुत जरूरी है, आपकी शादी हो 365 दिन आप लड़की लड़के वालों को दे दो। आपकी सास बोलती है अरे भाई दिन में दोपहर को रात हो गई बेटा सो जाओ, आप सो जाओ। आप बोलती, सास बोलती है बेटा भाग के नीचे आओ, आपका पति बोलता है ऐसे बनाओ मेरे को ऐसा, एक साल आप उनको दे दो। ये जर्नल समझाने की बात है, आप फटाफट कर दो, पूरे शहर की छोड़ो, पूरे मोहल्ले में, पूरे गली मोहल्ले में सबकी बोलेगी यार उसकी नो बहुत अच्छी आई है, आवाज मारती है तो फटक से भागी चली जाती है। जुबान की बातें जब कम से कम 100 लोग आपके बारे में बोलेंगे तो वो बात पूरी हो जाती है। इसके पीछे चलो उदाहरण मैं बाद में दूंगा, पहले इसके पीछे अच्छे ढंग से लॉजिक समझा दूंगा। 24 घंटे में हमारी जो एक बात है वो पूरी होती है हर इंसान की, पूरी दुनिया में 24 घंटे में जो एक बात है वो पूरी होती है।
आप 365 दिन अच्छे बने रहे, बहुत बढ़िया रहे, पूरे गली मोहल्ले में, पूरे खानदान में अफवाह आग की तरह आग फैल जाती है, बात फैल जाती है कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, तो पूरी लाइफ के लिए आप अच्छे बन गए। 366 दिन में आप बेड पे बैठ जाओ, मेरे से काम नहीं होता, आपकी सास भागी चली जाएगी, क्यों बेटा तू बैठ यहाँ पे, मैं काम करती हूँ आज, करके देखो आप। पहली बात तो ये है कि हर लड़की को ऐसा करना चाहिए। दूसरा कि कभी भी जब गुस्से से हम घर छोड़ देते हैं, अगर पहले घर से हमें सुख नहीं मिलता तो दूसरे घर से सुख नहीं मिलेगा, कभी भी दूसरी शादी से सुख नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनिए, सुख कहाँ कैसे मिलता है और क्यों? इंसान सुख को ठोकर खुद मारता है, गुस्से से छोड़ के आ जाता है, फिर बाद में बोलता है मैंने दूसरी शादी कराती है, दूसरी शादी होती नहीं है, बच्चा लेकर घूमता है बाद में दूसरी शादी के लिए, फिर दर दर की ठोकरें, फिर क्या होता है, कंप्रोमाइज करना है जी, कोई बात नहीं, जब 40-50 साल की उम्र से साथी की ज़रूरत है भी, अब तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को समझाना चाहिए, मैं हर बात को बहुत बारीकी में बताता हूँ, कम से कम मेरा एपिसोड ही दिखा दीजिए, कम से कम बच्चे तो सुन लें। कोई भी बात का अगर गुस्सा है मन में, उसको बैठ के सोचिए कम से कम 15-20 मिनट, बात कहाँ से शुरू हुई थी, इसमें किसका दोष था। कोई भी बात अगर हम दिन में बोलते हैं, दिन में बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूँ, गुस्से की बात अगर हम दिन में बोलते हैं, दिन में सूर्य की अग्नि होती है तो वो बात का बतंगड़ बनता है, मंगल की अग्नि गुस्सा और बढ़ता है। अगर वही बात को अपने हस्बैंड ने आपको कुछ कहा, वही बात को जब आप सोते समय बोलोगे तो वो कभी भी गुस्से का बतंगड़ नहीं बनेगा। अरे मेरी पंजाबी भाषा है, मुँह से निकल जाती है, गुस्से में कभी भी आप रूठोगे नहीं, एक दूसरे को मना लोगे अगर रात को बात है। इसलिए कई दफ़ा मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ भाई कि कभी भी ज़िंदगी में जब कभी गुस्सा आता है तो उसको सोचिए, गुस्सा क्यों आया था, किस बात पे गुस्सा हुए थे, उसने ऐसी बात क्यों कही थी, मैंने कुछ बोला था तभी उसने कुछ बोला था, अगर आपने कुछ बोल दिया, अगर उसने भी इसकी बात के बदले में बात कर दी, तो गुस्सा किस बात का, बताइए मुझे। गुस्सा तो तब हो ना अगर आपने कुछ ना बोला हो, दूसरा बंदा बोलता रहे। इसी बात पे गुस्सा जब इंसान को आता है तो सोचते नहीं, हम घर छोड़ के चले जाते हैं, हम घर छोड़ के चले जाते हैं, भी अब नहीं, आज के बाद मैं इसके पास नहीं जाना, मेरी सास ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे पति ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे इसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि 25 साल तक हम अपने घर में रहे, अब 1 साल हुआ था आपने सब कुछ छोड़ दिया। पहली ये तो मैंने बातें समझाई, आपको समझाने वाली बातें, अब आते हैं ग्रहों की बातें। तो ग्रह, ग्रह क्या करवाते हैं, ग्रह आपसे सबसे पहला इसमें तलाक की रेशो बढ़ाने वाला चंद्र, लोग कहते हैं ओ राहु ने तलाक करा दिया, शनि तलाक करा दिया, सूर्य सप्तम में तलाक करा दिया, इसमें सबसे पहला ग्रह है चंद्र, तभी तो मैं बोलता हूं अगर चंद्र ठीक है तो समझ लीजिए 50% कुंडली ठीक है आपके, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ठीक है तो 50% आपकी कुंडली सही है, अगर आपकी कुंडली में गुरु ठीक है तो 50% आपकी कुंडली सही है, पैसे का कारका, परिवार का कारका तो गुरु ही है, लिक्विड मनी का कारका चंद्र है, अगर चंद्र सही है तो भी 50% कुंडली ठीक है, अगर सूर्य सही है तो भी 50% कुंडली सही है, अगर शनि सही है तो भी 60% कुंडली सही है, अगर राहु सही है तो 80% कुंडली सही है। राहु को बुरा बोलते हो ना, अगर राहु आपकी कुंडली में सही है तो समझ लीजिए 80% आपकी कुंडली सही हो गई। तो एक बात और बता दूं, कलयुग है भाई, राहु 90% क्या 99% लोगों का खराब होता है, 1% लोगों का सही होता है, सिर्फ 1% 100 में से। आपका कैसा है प्रोफेसर साहब, आपको अंदाजा लगाना चाहिए मेरा कौन सा। आप 1% में से आते हैं। राहु मेरा छठे में है, छठे में जब राहु होता है कहता है कुल को तारने वाला बच्चा, छठे में राहु केतु बारहवें में जीते जी मोक्ष लेने वाला बच्चा, इसलिए तो दादा नाना बन गया हूँ इतनी छोटी उम्र में, तो कैसे नहीं अच्छा होगा। इसलिए पुनीत जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ग्रहों में घिरी हुई हैं। कुंडली में अगर आपका कोई भी चंद्र मान लीजिए खराब है, चंद्र जिसका खराब होता है तो तलाक की रेशो बढ़ती है,
चंद्र मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप किसी की बात के ऊपर किसी को भी कोई भी बात करने का मौका ही नहीं देते, किसी को भी कोई भी बात करने का आप देते नहीं, मौका ही नहीं देते कि वो बात क्यों कर दी उसने, ऐसा क्यों किया। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले चंद्र को ठीक कीजिए। अरे भाई, चंद्र को ठीक करना बताया था ना मैंने, चलो आज फिर बता देता हूँ। पहले ज़माने में क्या करते थे हमारे बुज़ुर्ग, मैंने पहले बता रखा है, जो पुराने देखते हैं उनको सबको पता है। हम क्या करते थे पहले जो बुज़ुर्ग थे, मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा था सब 5 साल का, जब मेरा फादर और मदर मेरे को लस्सी, कच्ची लस्सी बना के देते थे जब खाना हम दोपहर को खाते थे, ये पीजिए इससे आपका चंद्र ठीक हो जाएगा, मुझे अभी तक याद है। तो आजकल तो वो ज़माना ही ख़त्म कर दिया। गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, पहले क्या करते थे बता दूँ, चलो आज हम गुस्से के ऊपर बता देता हूँ गुस्सा क्यों आता है। पहले जो हमारी मदर होती थी, माता होती थी, पहले क्या करती थी, आटा गूंथते थे, आटा गूंथ के कम से कम उस आटे को कम से कम 4-5 घंटे तक पानी लगाकर ऊपर मलमल का कपड़ा लगाकर रखते थे, क्योंकि उसकी जो तासीर है गर्म वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कनक बहुत, गेहूं बहुत गर्म होता है, आटा भी गर्म होता है, ध्यान से सुनिए, वो बहुत गर्म क्योंकि कनक से बनता है, आटा शुक्र होता है और जो कनक होती है वो सूर्य होती है, जो उसका छिलका होता है वो राहु होता है, वो बहुत बारीकी में आगे आ जाएगा। चलो, इसीलिए जब कभी हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के साथ ही रोटियां पकाई और दे दी, जो खाएगा वो गुस्सा ही करेगा और क्या करेगा, अरे भाई आपने तो वो आटे को रखा ही नहीं, कम से कम 4-5 घंटे रखिए, उसकी तासीर को जो गर्म है उसको ख़त्म कीजिए, फिर खाना बनाइए। क्यों गुस्सा आता है आजकल पता क्या होता है, स्त्री उठती है सुबह सुबह बिना नहाए धोए किचन में घुस जाती है, और वो बिस्तर, बिस्तर क्या होता है, शुक्र, सुनिए बहुत ध्यान से, जो खाना बनाना वो चंद्र का काम होता है, माँ का, बहुत ध्यान से सुनिए, यानी कि शुक्र और चंद्र मिक्स होते हैं तो क्या होता है, आंखों की निगाह कमजोर हो जाती है। आंखों की निगाह तो कमजोर होती है, शुक्र और चंद्र वैसे लक्ष्मी योग भी बनते हैं। कभी भी जिंदगी में जब आप बिना नहाए धोए किचन में जाते हो, वो जब खाना बनाते हो तो वो खाना जहर बनता है, इसलिए पहले उठते ही आपको पहले नहा के फिर किचन में जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं, लोग भगवान का नाम लेकर, चूंकि हमारे यहाँ जो हमारा बुज़ुर्ग होते थे, जो मेरी माँ होती थी, वो चूल्हा होता था, चुमका चूल्हा होता था, वहाँ आग पे ताते थे, और पहले क्या करते थे, पहले सुबह सुबह उठ के, मुझे अभी तक याद है, मेरी माँ ने 2 भैंसें रखी होती थी, 1 गाय रखी होती थी, दूध की कमी नहीं होती थी हमारे यहाँ, तो क्या करती थी, सुबह सुबह उठना, पहले नहाना, फिर भैंसों को चारा चूरा देना, दूध निकालना, फिर चौंके पर बुलाना, फिर सबको हमको उठाना, भैया आओ खाना खाओ, स्कूल जाओ, मुझे अभी तक याद है, भैया आज से कितने की बात कर रहा हूँ, 1982 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1982 की बात कर रहा हूँ, 1980 की बात कर रहा हूँ, जब हमारे यहाँ ऐसे होते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सब कुछ होता गया। इसलिए पहले क्या हुआ करता था, हमारी माँ चूल्हे पे आग लगाती थी, चूल्हे पे उसके पिया करते थे खाना, सभी हम एक चौंके के ऊपर बैठ के खाना खाते थे, सभी, मेरा फादर, मेरा भाई, मेरी बहन, सब एक चौंके पर। आजकल कोई भी इकट्ठे खाना नहीं खाता, आजकल डाइनिंग टेबल तो बना रखे हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल है अकेले अकेले बंदे के लिए, कोई इकट्ठे नहीं बैठता, इससे भी आपके मन कठोर बनते हैं। जब कभी हम परिवार में बैठ के खाना खाते हैं तो जो हमारे मन होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, दूसरों की फीलिंग समझते हैं, लेकिन हम आजकल फीलिंग नहीं समझ पाते, आजकल हम दूसरों की बातें ही नहीं सुन पाते। पहले बुज़ुर्ग पता क्या कहते थे, अरे बेटा जो मुश्किल की घड़ी निकालती है ना वो दी होती है, ये नहीं कि सुख तो आपने ले लिया, अब थोड़ी सी मुश्किल ससुराल में आई तो भाग चली आई मेरे पास। फिर जो पहले पिता हुआ करते थे वो कहते थे, अगर मेरी बेटी है तो मुश्किल की घड़ी निकाल के दिखा, फिर मैं मानूंगा आप मेरी ही बेटी हो, तो वही बेटी जब सुख लेती है तो फिर भी याद नहीं करती। यही चीज़ें समझाने के लिए आपके सामने आता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में दूसरों को दोष देने की बजाय अपने ऊपर देखिए कि मेरे अंदर क्या था, मेरी कौन सी गलतियाँ थी। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी जो मैं हर बार सोचती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, ये है कि हम आज तलाक की बात कर रहे हैं, लड़कियां चिंतित हैं, जो पुरुष हैं लड़के वो भी उतने ही चिंतित हैं कि उनकी शादियां भी नहीं चल पा रही। अच्छा, जो ग्रहों का जोर होता है उनके ऊपर,
कुछ फीमेल्स और मेल्स के ऊपर वो अलग अलग तरीके से भी काम करता है या एक जैसा होता है? बिल्कुल सही पूछा अपने जी आपने कि जो ग्रह फीमेल के ऊपर या मेल के ऊपर भी काम करता है। अरे भाई मैं अभी अभी बात कर रहा था रास्ते में, मैं जब गाड़ी पे आ रहा था बच्चे पूछ रहे थे सप्तम घर का कारक कौन होता है। सप्तम घर का कारक तत्व यानी कि कर्ता धर्ता, यानी कि लड़की के लिए सप्तम घर का कारक होता है गुरु और लड़के के लिए सप्तम घर का कारक होता है शुक्र। यानी कि लड़की के लिए गुरु उसका पति और पति के लिए शुक्र उसकी पत्नी। तो देखिए ना कार्य तत्व चेंज हो गए तो ग्रह भी तो चेंज होंगे। इसलिए जब कभी लड़की का गुरु खराब होता है तो वो पत्नी से छोड़ देती, पति को छोड़ देती है। जब कभी लड़के का शुक्र खराब होता है तो उसकी पत्नी वो पत्नी को छोड़ देता है। चलो मोटी मोटी बातें बता दूं दो चार, क्योंकि बातें बतानी बहुत जरूरी होती है। अगर कहीं आपका शुक्र पीड़ित है तो फेस के ऊपर मुहासे आने शुरू हो जाएंगे, कील मुहासे। समझ लीजिए आपका शुक्र खराब होना शुरू हो गया। जब कभी डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं, जब कभी आपको काली शाइयां बढ़ जाती हैं आपके फेस के ऊपर, समझ लीजिए निशानियां होती हैं आपका शुक्र खराब हो गया। जब कभी आपकी पत्नी को अचानक फेस खराब हो जाता है तो मान लीजिए, समझ लीजिए आपका शुक्र खराब हो गया। पत्नी को हमेशा सुंदर बनाइए, ताकि ये नहीं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं पत्नी को ऐसी छोड़ते रहते हैं, आप बाहर जाते रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो शुक्र है उसका भी खराब होता है और पत्नी को भी दुखी करते हैं, शुक्र खराब हो जाता है। पत्नी को पहले बनाइए शुक्र, पत्नी को पहले सुंदर कीजिए। अगर आपकी पत्नी का शुक्र फेस साफ होगा तो आपको बाहर इज्जत मान सम्मान पैसा और जा जो चाहते वो मिलेगा। लेकिन हम पत्नी को तो घर में पूछते नहीं हैं, हम कहते हैं हमारा शुक्र परफ्यूम लगा लें, वाइट शर्ट डाल लें, प्रोफेसर साहब ने बोला था हमारा शुक्र ठीक हो गया। अरे भाई पत्नी को क्या बोला वो, क्या वो इज्जत मान सम्मान दिया, क्यों शुक्र ये वाइट शर्ट डालने से परफ्यूम डालने से, क्योंकि मैंने बोला था उपाय तो वो आपने कर लिया तो शुक्र ठीक कर लिया। जिन लड़कों का शुक्र खराब है तो क्या आपने, चलो एक बात और बता दूं शुक्र और ठीक करने की, हमारे शरीर में शुक्र का पार्ट कौन सा है, गुप्त पार्ट। हम अगर सफाई नहीं करते तो हमारा सबसे बड़ा शुक्र खराब होता है। कभी देखा सोचा है हमने कभी सफाई रखते हो आप, नहीं हम जी शुक्र को ठीक करना परफ्यूम लगा लेते हैं, नहाने की जरूरत नहीं है, शुक्र ठीक हो जाए हमारा। बहुत बारीकियां हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत बारीकियां, इस बारीकियों को खोदा है मैंने, खड्डे से बाहर निकाला है मैंने, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी बातें ही नहीं बोली, आज तक किसी ने समझाने की जरूरत ही नहीं समझी। सब ने ये सोचा है कि हाँ जी पैसे बना लें, एस्ट्रोलॉजी से ये कर लें वो कर लें। मैंने पहले भी कहा था अगर मैं टीवी पे आना बंद हो गया तो मेरी फीस नहीं रहेगी। अगर मेरी जितनी फीस बढ़ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, इसका यही एक कारण है मेरे चैनल बढ़ रहे हैं, इसका यही एक कारण है को जो जितना मुझे आप कितना दे सकते हो, मैं सबसे बोलता हूँ क्या दे सकते हो, कुछ भी नहीं। जो पहले से एक साधु था, साधु गांव में आया, उस गांव को बोला, गांव वाले ने बोला बहुत अच्छा साधु है भाई, बहुत अच्छा, बहुत इसकी बात ज्ञान है। उसको बिठाया मलमल के कपड़े के ऊपर, खीर पूड़े बनाए सब गाँव वाले ने उसके सामने लेके आए। बोलता है भाई मैं पिछले गाँव से आया हूँ, रूखी जो मैंने रोटी खाई मुझे बहुत आनंद आया, अब पेट भर गया, खीरे पूड़े अच्छे तो लगते हैं पर मेरा पेट भरा हुआ है, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है, कितना भर लोगे मेरे को, मैं नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि टीवी के माध्यम से आप सबको समझा सकूँ, पूरी दुनिया को समझा सकूँ। अरे भाई अगर तलाक की रेशो बढ़ती है इसमें सबसे बड़ा कारण ग्रहों का नहीं आपका है, और आपने ग्रहों को कैसे ठीक करना है उसकी पत्रिका देखनी पड़ेगी। पत्रिका दिखाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाइए, लेकिन ये देखो कि वो बारीकियां जानने वाला है, उसके पास ज्ञान है, क्या शुक्र को ऐसे ही ठीक कर देगा, क्या गुरु को ऐसे ही ठीक कर देगा। देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है या गुरु खराब है। अगर लड़की है तो मान लीजिए गुरु खराब है। एक बात और मैं आपको सबको बता दूं, 99% लोगों का गुरु खराब होता है। क्यों गुरु खराब होता है, गुरु से पैसा आता है। मैं फिर आपसे ही पूछूंगी, आपका बढ़िया है, आप फिर 1% में से हैं।
मैं तो फिर 1% पे से हूं। फिर आप ये बताइए आज इस एपिसोड में कि अच्छे ग्रहों के लिए और अच्छी कुंडली के लिए क्या उपाय हैं। मेरे साथ रहना शुरू कर दीजिए, तभी तो बोलता हूँ, जब मैं बुलाता हूँ फटाफट आ जाइए और एपिसोड करना शुरू कर दीजिए, ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मेरा गुरु 9वें घर में बैठा हुआ है और पूरी दुनिया को पता है 9वें घर का गुरु क्या बोलता है। पिछले जन्म का धर्म गुरु होता है, इस दुनिया को उतारता है। जब कभी आपके ग्रह, आप भी ऐसे ग्रह लेकर आए, कैसे लेकर आए? अरे भाई, आपकी मदर भगवान का नाम लेने वाली थी क्या? वो क्या करती थी कि उसकी कोख में किस बच्चे ने जन्म लिया? इसलिए बोलता हूँ, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि आपके घर में जो पैदा हो उसके ग्रह बहुत अच्छे। गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु बहुत अच्छा होगा तो ज्ञान की बातें, भगवान की बातें ऐसे ही नहीं अंदर से आती, जब कभी आती हैं तो गुरु जिसका अच्छा होता है उसका परिवार, उसके बुजुर्ग और उसकी विद्या पूर्ण होती है। गुरु जिसका अच्छा होता है, गुरु जिसका अच्छा होता है उसके बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, गुरु जिसका अच्छा होता है। चलो एक बात और बता दूं, मेरे मुंह से अंदर से ज्ञान की बातें जब निकलती हैं तो ज्ञान का भंडारे भरते रहते हैं। अगर आपके घर में BSc ऊपर बच्चा पढ़ गया तो समझ लीजिए आपके घर में जो गुरु है वो ठीक हो गया। अगर आपके खानदान में, आपके घर में अगर BA से नीचे बच्चे रहे हैं तो आपके खानदान का गुरु खराब है। निशानी बता दी आप सबको मैं। तो प्रोफेसर साहब, ये निशानियां तो आपने बता दी। आपने बोला था एपिसोड शुरू होने से पहले कि मैं कुछ जनरल उपाय बताऊंगा, लेकिन जब हम जनरल उपाय की बात करते हैं, एक बात आप सभी समझ लीजिए प्लीज, कि जनरल उपाय जनरल होते हैं। मतलब अगर आप काम तो ये भी करेंगे, ऐसा नहीं कि काम ये नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल सटीक प्रॉब्लम का हल हो, अच्छे से हल हो, उसके लिए आपको आके कुंडली दिखानी ही पड़ेगी। तभी हम उपाय का जो सेक्शन है वो प्रोग्राम के एंड में रखते हैं। कारण इसका सिर्फ ये है कि आप जो हैं कभी भी ये मन में नहीं धारें कि प्रोग्राम देखने से प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो रही हैं लोगों की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉपरली सॉल्यूशन के लिए नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आपको कॉल करना होगा और अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होगी। हाँ जी प्रोफेसर साहब, कुछ जनरल उपाय कि तलाक ना हो, घर ना टूटे, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, और अगर एक ही उपाय है तो भी बता दीजिए। जनरल उपाय अलग अलग हैं, लेकिन जनरल उपाय मैं फिर भी देता हूँ। लड़कियों के लिए जनरल उपाय है हल्दी की मालिश करके नहाना, लड़कों के लिए जनरल उपाय है दही की मालिश करके नहाना। अब फोन बहुत आएंगे, दही की मालिश कैसे कैसे करनी है, कब करनी है, बता देता हूँ भाई। दही की मालिश शुक्रवार को करनी है 8:15 से पहले पहले, और हल्दी की मालिश भी ऐसे ही करनी है गुरुवार को 8:15 से पहले पहले। ये तो जनरल उपाय हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कुंडली में गुरु आपका अच्छा है या बुरा है, वो तो कुंडली देख के ही पता चलेगा, लेकिन जनरल उपाय बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारे शो का नाम इसलिए ऐसे नहीं रखा गया। कोशिश मेरी यही होती है कि आपके सभी सीक्रेट मैं यहीं पे बताऊं, आपकी सभी बातें जो आपके मन में हैं वो मैं यहाँ पे ही बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार हो, घर में बैठ के मैंने ठेका ले रखा है आप सबको ठीक करने का, वो ठेका पता नहीं पूरा होता या नहीं, लेकिन सबके दुखों का निपटारा तो मैं यहीं पे ही कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर साहब, आपने अपना फ़र्ज़ जो है वो आज पूरा कर दिया, जो मेरा 2 मिनट का फ़र्ज़ बचा है अब मैं वो पूरा कर देती हूँ। बात ये है कि इस प्रोग्राम के राही आपको वो सारी बातें जानने को मिलती हैं, वो सारी सीक्रेट्स रिवील होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बेसिकली होता क्या है, ये आपके जीवन के आसपास की बातें होती हैं जो कि आपको खुद को ही नहीं पता होती। हम दुनिया भर के रहस्य जानने को मिल जाते हैं, गूगल करते हैं तो बहुत कुछ सामने आ जाता है। दुनिया भर के रहस्य जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं, एडवेंचरस लाइफ के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने आसपास क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता, ये कैसे हो जाता है। बस यही जानने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए केंद्रित है, और आप इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं कि जो फ़ोन कॉल्स है उसकी भरमार तो रहती रहती है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि प्रोफेसर साहब का जो स्केड्यूल है वो भी ज़्यादा बिजी हो गया है। अभी बहुत जल्दी आपके पास एक सेमिनार लेके भी हम आने वाले हैं, और उस सेमिनार के राही आपके और करीब आने की कोशिश की जाएगी। सो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन पर आप कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तो आपको सारी की सारी बात जो है उसी वक्त क्लियर हो जाएगी जब आपको प्रोफेसर साहब से मिलने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्ते। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।